मेरी बात प्रारंभ करने से पहले मैं तीन बार भारत माता की जय का जयकारा बुलवाऊंगा और मेरी आपसे आग्रह है कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से जयकारा बोलें ताकि सीमा पर जो हमारा जवान खड़ा है उसको भी लगे कि नोएडा उसके साथ है, हिंदुस्तान उसके साथ है। मैं तीन बार जयकारा बुलवाऊंगा, पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान महेश शर्मा जी और इस कार्यक्रम के साथ बिहार में बक्सर के लोग भी जुड़े हुए हैं और बक्सर में हमारे देश के ऊर्जा मंत्री श्रीमान आर के सिंह जी, बक्सर में उपस्थित हमारे मंत्री श्रीमान अश्विनी चौबे जी, विधायक श्री तेजपाल नागर जी, विधायक पंकज सिंह जी, बहन बिमला सोलंकी जी, धीरेन्द्र सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी और भारी संख्या में पधारे हुए ऊर्जावान भाई और बहनों, आपका जोश देखते ही बनता है। ये आपका उमंग, ये प्यार मेरी सर आंखों पर। नोएडा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप यहां मोदी मोदी कर रहे हैं और वहां कुछ लोगों की नींद हराम हो रही है। साथियों, वो भी कुछ दिन थे जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान सरकारी धन की लूट, अथॉरिटी और टेंडर में होने वाले नए नए खेल, जमीन आवंटन में होने वाले घोटालों की वजह से बनी। जब भी नोएडा की बात आती थी तो पहले ऐसी खबरें आया करती थी, ऐसा होता था कि नहीं? आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैं कह रहा हूं? ये सच्चाई है कि नहीं है? अब आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान विकास और परियोजनाओं, रोजगार के नए अवसरों से है। मेरा देश, मेरा उत्तर प्रदेश वाकई बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, नोएडा आज मेक इन इंडिया के बड़े हब के तौर पर विकसित हो रहा है। आज भारत
दुनिया में मोबाइल फोन बनाने में दूसरे नंबर पर पहुंचा है। तो उसमें नोएडा की बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ दो फैक्ट्रियां देश में थी और आज करीब करीब 125 फैक्ट्रियां देश में मोबाइल फोन बना रही। कहां दो और कहां 125। इसमें से बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां हमारे इस नोएडा में है। मोबाइल के अलावा टीवी, फ्रिज जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की भी अनेक कंपनियां यहां पर है। इन सभी ने युवा साथियों के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर बनाए हैं। साथियों, आज मैं नोएडा में आप सभी के जीवन को आसान बनाने वाली परियोजना समर्पित करने के लिए आपके बीच मौजूद हूं। इसके साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार को रोशन करने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी थोड़ी देर पहले शिलान्यास किया गया है। नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर तक चलने वाली मेट्रो के लिए मैं यहां के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां की कनेक्टिविटी को और सुधारने के लिए जेवर में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इससे जुड़ी तमाम प्रक्रियाओं को तेज गति से पूरा किया जा रहा है और इससे नोएडा की एयर कनेक्टिविटी दूसरे शहरों से जुड़ जाएगी और अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर के आएगा। मुझे आपको ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि अगले कुछ हफ्तों में उड़ान योजना के तहत अब बरेली से भी उड़ानें शुरू हो जाएगी। इसके लिए टर्मिनल बिल्डिंग व अन्य कार्यों को पूरा कर लिया गया है। साथियों, उड़े देश का आम नागरिक इस लक्ष्य के साथ शुरू की गई उड़ान योजना के तहत अब तक 120 रूट को शुरू किया जा चुका है। इसकी वजह से देश के अनेक टीयर 2 और टीयर 3 शहर भी
पहली बार एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। इससे इन शहरों की इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, उद्योगों के विकास के लिए बिजली का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। आज दो और बड़े पावर प्लांट का शिलान्यास यहां से किया गया है। एक प्लांट यूपी के ही बुलंदशहर के खुर्जा में लग रहा है और दूसरा बिहार के बक्सर में। खुर्जा वाले प्लांट पर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा और बक्सर वाले थर्मल प्लांट पर करीब 10,000 करोड़ रुपए। बक्सर जो साथी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतनी ही भारी भीड़ मैं यहां टीवी स्क्रीन पर बक्सर के लोगों की भी देख रहा हूं। मैं यहां से दूर से उनको भी प्रणाम करता हूं और इस शुभ अवसर पर उनको भी बधाई देता हूं। बक्सर में बनने वाले थर्मल प्लांट 2015 में घोषित किए गए प्रधानमंत्री पैकेज और पूर्वी भारत को देश का ग्रोथ इंजन बनाने का हमारे विजन का हिस्सा है। भाई और बहनों, जब ये दोनों प्लांट तैयार हो जाएंगे तो यूपी और बिहार को अधिक बिजली मिल पाएगी। खुर्जा के प्लांट से यूपी के साथ ही दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को भी बिजली मिलेगी। इसी तरह बक्सर के प्लांट से बिहार समेत पूर्वी भारत में बिजली सप्लाई सुधारने में मदद मिलेगी। इसका एक बड़ा लाभ ये भी होगा कि राज्य में लगने वाले उद्योगों को भी बिजली आवश्यकता के मुताबिक मिल पाएगी। उद्योग लगाने हैं तो बिजली उसकी पहली आवश्यकता होती है। साथियों, हमारी सरकार 21वीं सदी में देश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। पहले की सरकारों ने इसे प्राथमिकता नहीं दी थी। देश में कैसे पावर सेक्टर को नजरअंदाज किया गया, देश की ऊर्जा जरूरतों को नजरअंदाज किया गया, इसका एक उदाहरण कल ही कानपुर में मुझे दिखाई दिया। कल कानपुर में, यहां पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको इस बात बराबर समझ आएगी। कल कानपुर में पनकी पावर प्रोजेक्ट के विस्तार का काम आरंभ हुआ है। लेकिन साथियों, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि पनकी प्रोजेक्ट में 40-40, 50-50 साल पुरानी हो चुकी मशीनों से काम लिया जा रहा था। मशीनें हांफने लगी थी, कांग्रेस जैसा हाल था उस मशीनों का भी। नतीजा ये था कि जो बिजली वहां बन भी रही थी उसकी कीमत आ रही थी 10 रुपये प्रति यूनिट। आज जब हम सौर ऊर्जा से 2 रुपये, 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली की बात करते हैं तो सोचिए 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली पैदा करके किसका भला हो रहा था, लेकिन चल रहा था। साथियों, पहले की सरकारों के इसी रवैये ने देश के पावर सेक्टर को खस्ताहाल कर दिया था। देश के लोग वो दिन नहीं भूल सकते
जब टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी कि पावर प्लांट्स में एक दो दिन का ही कोयला बचा है, पावर सेक्टर की अव्यवस्था का ये वो दौर था जब ग्रिड फेल हो जाया करते थे, राज्य के राज अंधेरे में डूब जाते थे, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी। देश के पावर सेक्टर को सुधारने के लिए इसलिए हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ, नई नीतियों के साथ काम किया। हमने चार चीजों पर फोकस किया, चार अलग अलग स्तरों पर काम किया, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्शन। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, बिजली का उत्पादन नहीं होगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो कनेक्शन की चाहे जितनी बातें कर ले जाए, घर घर बिजली नहीं पहुंची जा सकती है। इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहले बिजली के प्रोडक्शन पर बढ़ाने पर जोर दिया। सौर ऊर्जा, पानी से बनने वाली ऊर्जा, कोयले से बनने वाली ऊर्जा और न्यूक्लियर पावर, सभी से उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम शुरू हुआ। जिस कोयले के आवंटन में देश में करोड़ों का घोटाला हुआ था, उसी कोयले की नीलामी के लिए हमारी सरकार ने देश को एक पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्था दी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते समय हमने 2022 तक 175 गीगावाट क्लीन एनर्जी के उत्पादन क्षमता जोड़ने का लक्ष्य भी रखा। इस लक्ष्य पर चलते हुए अब तक 75 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता जोड़ी भी जा चुकी है। साथियों, सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ाया, जिसकी वजह से देश के ट्रांसमिशन नेटवर्क में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इसके कारण न केवल आज देश को सुरक्षित और संतुलित ग्रिड उपलब्ध हुआ है, बल्कि हमने वन नेशन वन ग्रिड का सपना पूरा किया है। और अब हम सौर ऊर्जा के माध्यम से, और सपना भाइयों बहनों, मैं कभी छोटे सपने देखता नहीं और छोटे काम करता नहीं। हमारा सपना है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, एक दुनिया एक सूरज एक व्यवस्था, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, और कभी न कभी यह साकार होने वाला है। साथियों, 1950 से लेकर ये जरा सुनिए आप, ये आपको बहुत काम आएगा। जो मैं आंकड़े बोल रहा हूं, वो आंकड़ों की बड़ी ताकत है। ध्यान से सुनोगे, याद रखोगे, पक्का याद रखोगे। अगर इतना भी याद रखोगे ना, तो फिर आपको आगे के लिए कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। आंख बंद करके के सही निर्णय करोगे आप, बताऊं? याद रखोगे? देखिए, 1950 से लेकर 2014 तक करीब करीब 65 वर्षों में लगभग 2.5 लाख मेगावाट की क्षमता विकसित की गई। कितने सालों में 65 साल में 2.5 लाख मेगावाट। और जब से आपने मुझे बिठाया है, साथियों, आपको आश्चर्य होगा, कहां 65 साल और कहां 5 साल। दोस्तों, 65 साल में 2.5 लाख मेगावाट, और पिछले मेरे आने के बाद 5 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं,
पांच साल में हमारी सरकार ने 1,00,000 मेगावाट से अधिक कैपेसिटी तैयार की है। 65 साल में 2,50,000, 5 साल में 1,00,000। अब आप सोचिए, वो पुराने थके हुए लोगों से देश चलता तो कहां गया होता जी? कितने दशक बीत जाते, लेकिन नया भारत अब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, वर्षों तक देश के पावर सेक्टर की उपेक्षा किए जाने की वजह से एक सेक्टर को बहुत बड़ी कमजोरी बन गया था। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इस वजह से जितनी बिजली देश में पैदा हो रही थी उतनी बिजली लोगों को मिल नहीं रही थी। इस कमजोरी को ठीक के हमारी सरकार ने ठीक करने का प्रयास किया, उदय योजना पर काम किया, गांवों के लिए विशेष तौर पर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चल रही है और शहरों के लिए इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम यानी IPDS ये स्कीम चलाई गई है। सरकार की कोशिश की वजह से अब देश में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन भी सुधर रहा है। इन सुधारों के बीच हमारी सरकार ने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के अपने लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। 18,000 से ज्यादा ऐसे गांव जहां आजादी के बाद भी अंधेरा था, बिजली नहीं पहुंची थी, उस काम को हमने पूरा कर दिया, बिजली से जोड़ दिया। अब इसी तरह से सौभाग्य योजना के तहत हमने हर घर को बिजली से जोड़ने का अभियान चलाया। इस योजना के तहत अब तक 2.5 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन मुफ्त में दिया जा चुका है। 2.5 करोड़ परिवार आजादी के 70 साल भी अंधेरे में गुजारा कर रहे थे, उनके यहां उजाला पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों बताइए, 2.5 करोड़ परिवार जो अंधेरे की जिंदगी जी रहे थे, उनके घर में उजाला पहुंचा, आप खुश हैं? आप खुश हैं? ये किसने किया? किसने किया? किसने किया? भाई यहीं पर तो गलती हो रही है, ये मोदी ने नहीं किया है। ये 2.5 करोड़ परिवारों के घर में उजाला आया है, आपके वोट की ताकत से आया है, आपके कारण आया है। अगर आप मेरे साथ न होते, आप अगर मेरे साथ न होते, दिल्ली में मजबूत सरकार न होती, गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार न होती, तो ये 5 साल भी बीत जाते, 2.5 करोड़ परिवार जिंदगी अंधेरे में गुजारते रहते और कोई पूछने वाला नहीं होता भाइयों। और इसलिए इसकी क्रेडिट मोदी को नहीं, 125 करोड़ देशवासियों को जाती है, आपको जाती है। पावर सेक्टर को मजबूत करने के साथ ही सरकार ने इस पर भी बल जोर दिया कि पावर की डिमांड कम करने वाले आधुनिक तरीकों को अपनाया जाए। ये आधुनिक तरीके उसे बिजली बचाते ही है, लोगों का बिजली का बिल भी कम करते हैं। मध्यम वर्ग के परिवार के बहुत पैसे बिजली बिल में कम होने की दिशा में हमने काम किया। सरकार के प्रयास की वजह से LED बल्ब जो फरवरी 2003 में 2014 में 350 रुपये का मिलता था, अब ये भी देखिए 2014 में मेरे आने से पहले LED बल्ब करीब 350 रुपये में मिलता था, मेरे आने के बाद 350 का 40 रुपया 50 रुपया हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ? हर जगह पे बिचौलिए बैठे थे,
हर जगह पे बिचौलिए बैठे थे, हर जगह पर दलाली चलती थी। मोदी ने दलाली पे डंडा चलाया, 300 350 का बल 40-50 में आ गया। अब मुझे बताइए, ये जितने लूट करने वालों की दुकान बंद हो गई है, वो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? मोदी को खत्म करने का षड्यंत्र करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी के खिलाफ खेल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? अरे 125 करोड़ देशवासी जिसकी रक्षा करते हो, वो ऐसे बिचौलियों से कभी डरता नहीं है। अब तक सरकार और प्राइवेट कंपनियां द्वारा मिलकर देश में लगभग 150 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए, 150 करोड़। इससे लोगों को बिजली बिल में सालाना करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए इसकी बचत हो रही है, अनुमान है मेरा। आप विचार कीजिए, देश के नागरिकों की जेब में हर साल 50,000 करोड़ रुपया बच जाए, ये कितना बड़ा काम हुआ, सिर्फ बिचौलियों को हटाने से हुआ है। भाई और बहनों, नोएडा में आज एक और महत्वपूर्ण काम हुआ है। हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारी सभ्यता, हमारे दर्शन को रिसर्च से जोड़ने अहम स्थान दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का एक भव्य कैंपस यहां बनकर तैयार हुआ है। 25 एकड़ में फैला यह परिसर भारत के गौरवशाली अतीत के अनुकूल है। अब दुनिया भर के रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट यहां पर आधुनिक सुविधाओं के साथ भारत की समृद्ध विरासत, हमारे अध्यात्म, हमारे मंदिर, हमारे ग्रंथ, हमारे तीर्थ क्षेत्र, हमारे शिल्प, हमारी कला, हर पहलू का विस्तार से अध्ययन कर पाएंगे। साथियों, आर्कियोलॉजी यानी धरती में दबे इतिहास के पन्नों को उजागर करने वाला, पत्थर में से भी इतिहास की महक निकालने वाला, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधार पर इतिहास के सच को सामने लाना। हमारे गौरवशाली देश में जिसने सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड देखा है, जिसने अनेक बार बाहरी आक्रांताओं के हमले देखे हैं, उन हमलों में हमारी प्राचीन विरासतों को नष्ट होते देखे हैं, उसमें आर्कियोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोगों में कई को पता होगा कि कल मैं वाराणसी में था, वहां मैंने विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम से जुड़े निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है। विश्वनाथ धाम के निर्माण के लिए भोले बाबा के मंदिर के आसपास ऐसे मकान बन गए थे जी, आप जो काशी विश्वनाथ गए होंगे तो पता होगा, ऐसी सांकड़ी गली से जाते थे, पता ही नहीं भगवान का वहां क्या हाल होता होगा, सांस भी ले पाते होंगे कि नहीं ले पाते होंगे, पता नहीं ये हाल करके रखा। अब मैं वहां के लोगों ने मुझे एमपी बना दिया, तो मैंने सोचा कि चलो यहां कुछ करना चाहिए, मैं लग गया। आप जाकर के देखना, भोले बाबा के अगल बगल में जो 300 के करीब प्रॉपर्टी थी, उन सारी हमने एक्वायर की और उनको तोड़ना शुरू किया। और जब तोड़ना शुरू किया तो मैं हैरान हो गया, जब मकान तोड़ रहा था तो अंदर से मंदिर निकलने लगे। लोगों ने दीवारें बना करके मंदिर को एक घर बना दिया था, बेडरूम बना दिया था। सारी दीवारें जब तोड़ते गए
तो सारे मंदिर और 200-200, 250-250 साल पुराने उत्तम प्रकार के आर्कियोलॉजिकल नमूने 40 मंदिर अंदर से मिलाए। आप विचार कीजिए, मेरे आने के पहले ये जो सांस्कृतिक मंत्रालय जिन्होंने चलाया होगा, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जिन्होंने चलाया होगा, वो कितने सोए हुए रहे होंगे, इसका ये जीता जागता नमूना है। अगर एक कहीं पर एक पत्थर हटाना है तो आर्कियोलॉजी वाले आकर के आपका गला दबोच लेंगे, लेकिन वहां भोले बाबा के परिसर में 40 मंदिर दबोच करके लोग बैठ गए थे। कोई 50 साल से दबोच के बैठा होगा, कोई 40 साल से दबोच के बैठा होगा, राजनेताओं ने आशीर्वाद दिया होगा। बताइए, बुराइयां जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए भाइयों? अब जिनका ये सब गया वो मोदी को प्यार करेगा क्या? मोदी का जयकार करेगा क्या? लेकिन मोदी ने अपने जयकार के लिए काम करना चाहिए कि भारत माता की जयकार के लिए काम करना चाहिए? मोदी मोदी के जयकार के लिए काम नहीं करता है, मोदी हिंदुस्तान के जयकार के लिए काम करता है दोस्तों। अब इन मंदिरों को सहजा जा रहा है, उनका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, लेकिन आपने ये भी देखा है कि उस पर किस तरह की राजनीति की गई है। साथियों, राजनीति करने वाले ये वही लोग हैं जो देश के प्राचीन गौरव और आर्कियोलॉजी की मदद के सामने आए तथ्यों को नकारते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसी प्राचीन संपत्तियों की सुरक्षा और नियम कायदों तक की परवाह नहीं करते। आपको कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे जब पहले की सरकारों ने अपने किसी राग दरबारी, नोएडा के भाइयों बहनों, ये बातें आपके काम की है, जरा मैं बताना चाहता हूं, सुननी है ना? आपका मूड है तो मेरा भी मूड है। आज आपको कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे जब पहले की सरकारों ने अपने किसी राग दरबारी, अपने किसी चाटुकार को इनाम देने के लिए आर्कियोलॉजी के हिसाब से महत्वपूर्ण इमारतों के बगल में अपने बंगले बनाने, अपने फार्म हाउस बनाने की इजाजतें दे दी। आपको पता नहीं है ना, ऐसा ऐसा होता था भाई, दिल्ली में ही ऐसे कितने मामले हैं। और मेरे मीडिया के साथी, जरा सूंघने निकल जाओगे, इधर उधर देखोगे, थोड़ी छानबीन करोगे तो सारा सच उभर करके बाहर आ जाएगा। आप दिखा पाओ न दिखा पाओ, छाप पाओ न छाप पाओ, वो अलग बात है, वो आपकी मजबूरी होगी, लेकिन ढूंढो तो सही, जानो तो सही, ये कौन राग दरबारी है जिनके लिए स्पेशल का व्यवस्था की गई। साथियों, जब पहले की सरकारों का ये रवैया था तो उनसे आर्कियोलॉजी जैसे गंभीर विषय को गंभीरता से लेने की उम्मीद करना भी बेईमानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि दीनदयाल जी के विजन पर चलते हुए ये संस्थान हमारे अतीत को वर्तमान और भविष्य से जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आपके परिसर में देश के विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक विजन देने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण भी आज करने का मुझे पुण्य कार्य करने का अवसर मिला है। साथियों, पहले की सरकारों ने कैसे काम किया है ये आप भलीभांति जानते हैं। स्थिति ये थी कि आधी आबादी के पास गैस कनेक्शन नहीं था, आधी आबादी के पास बैंक में खाता नहीं था, आधे से अधिक परिवारों के पास शौचालय नहीं था।
ऐसी अनेक अधूरी और अपूर्ण व्यवस्थाएं बनाकर रखी गई थी। यही कारण है कि भारत उन देशों से पिछड़ गया जो हमारे ही साथ आजाद हुए थे या फिर जिन्होंने साथ ही विकास यात्रा शुरू की थी। भाई और बहनों, 2014 के बाद जब आपने दिल्ली में एक प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा करने का अवसर दिया, तो हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार में लेन देन वाली संस्कृति पर पूरी सख्ती से निपटा जा रहा है और योजनाओं को संपूर्णता के साथ सामान्य मानवी के हित में बनाया जा रहा है। और इसलिए आज हर भ्रष्ट को मोदी से कष्ट है, और ऐसे लोग इस चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन में जुटे हैं। वो सुबह तय करते हैं, अगर तू 15 गाली देगा तो मैं मोदी को 16 गाली दूंगा। उनको लगता है गाली देने से वोट मिल जाता है। इतना ही नहीं, वे इतने हताश हो चुके हैं कि मोदी विरोध की जिद में वे देश का भी विरोध करने लग गए हैं। साथियों, आज भारत नई रीति और नई नीति पर चल रहा है। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने सही किया कि नहीं किया? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सरकारें सोती रहे वो आपको मंजूर है? चौकीदार सो जाए आपको मंजूर होगा? आपको जागने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को जिताने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, उरी के बाद सबूत मांग रहे थे, सबूत। अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके रख, पता नहीं क्या क्या रख दिया उन्होंने, यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। और मजा देखिए, हम तो ये सब कर करके चुप थे। रात के 3:30 बज गए थे, देश को क्यों जगाना भाई। लेकिन ये ऐसी ये घटना इतनी बड़ी थी, कि रात को 3:30 बजे
पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई, पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई। हम तो चुप थे, हम सोच रहे थे क्या होता है देखते हैं। पाकिस्तान ऐसा घबरा गया था कि 5 बजे उसने ट्वीट कर करके रोना शुरू कर दिया, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। दुनिया को उनकी हालत बिगड़ी है इसके समाचार हमने नहीं दिए, पाकिस्तान ने दिए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था देश को खबर पहले हमने की थी। इस बार हम देखते हैं नए तरीके से आगे बढ़ेंगे, और वही रोने लगे। वो तो यही सोच रहे थे कि भारत पर घाव किए जाओ, हमले किए जाओ, प्रॉक्सी वॉर किए जाओ, भारत तो कुछ नहीं करेगा, वो हाथ पर हाथ जोड़ करके बैठा रहेगा। देश के दुश्मनों में भारत के प्रति ये जो सोच बनी है, तो उसका मूल कारण 2014 के पहले जो सरकारें थी रिमोट कंट्रोल वाली, उनका रवैया ऐसा था, इसके कारण इनको आदत हो गई थी। साथियों, भारत कभी नहीं भूल सकता कि 26/11/2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आतंकी हमला किया था। क्या भूल सकते हैं क्या? उस समय कुछ करने की जरूरत थी कि नहीं थी? दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन इसके लिए दम चाहिए दोस्तों। सारे सबूत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के प्रूफ मिल रहे थे, सारे प्रूफ उनको गुनहगार सिद्ध कर रहे थे। लेकिन भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया? खबरें तो ये भी है, उस समय भी हमारी सेना, हमारी वायु सेना, हमारी नौसेना बदला लेने के तैयार थी। सेना का खून गर्म हो रहा था, दिल्ली ठंडे बिस्तर में पड़ा था। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों को इजाजत नहीं दी गई, उनके हाथ पैर बांध कर रखा गया। क्या हाथ पैर बांध करके आतंक का मुकाबला हो सकता है क्या? सेना के जवानों के बेड़िया पहन करके हम कहोगे मारो, ये चल सकता है क्या? क्या ऐसे देश की सुरक्षा होती है क्या? क्या देश के दुश्मन के साथ ऐसी नरमी बरत दिखनी चाहिए क्या? साथियों, यही वजह थी कि मुंबई हमले के बाद भी देश में लगातार आतंकी हमले होते रहे। याद करिए, साल 2010 में पुणे में एक बेकरी में बम धमाका हुआ, उसी साल वाराणसी में दशाश्वमेध में एक घाट पर बम धमाका हुआ। याद करिए, साल 2011 में मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ, ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार, दादर में बम फटे। फिर उसी साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी बम फटा। इसी तरह साल 2013 में हैदराबाद के भीड़ भरे बाजार में बम धमाका हुआ। एक के बाद एक बम धमाके हो रहे थे, सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, सैकड़ों घायल हो रहे थे। इन हमलों के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे। लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया, उन लोगों ने अपनी नीति नहीं बदली, सिर्फ गृहमंत्री बदले। अब नीति बदलनी चाहिए कि गृहमंत्री बदलना चाहिए? साथियों, अगर पहले की सरकार में दमखम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भाषा में जवाब दिया होता जो भाषा वो समझते हैं। तो आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता। सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में एयर स्ट्राइक के बाद आतंक के आंकड़ों को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है।
भारत की कार्रवाई के बाद अब वो बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। देश के सुरक्षा बल, हमारे वीर जवान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस देश के नागरिक के तौर पर हमें भी सतर्क रहना, अपना दायित्व निभाना है। हर उस ताकत को जवाब देना है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देख रहा है, जो भारत में हमले की साजिश रच रहे हैं। हमें उन लोगों पर भी अपनी दृष्टि रखनी है जो इस समय, भाइयों बहनों, एक बात की ओर भी देश के नागरिकों को ध्यान देना होगा। आज हमारे देश के भीतर अपने आप को बड़े नेता मानने वाले लोग सत्ता के सिंहासन पर भूतकाल में बैठे हुए लोग जो भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा से दुश्मनों को ताकत मिल रही है, दुश्मनों को ताकत मिल रही है। ये लोग यहां विवादित बयान दे रहे हैं, सवाल भारत के वीरों के पराक्रम पर उठा रहे हैं और उनके निवेदन सुनकर के तालियां पाकिस्तान में बज रही है। ऐसे लोगों को देश की जनता ने सही रास्ते पर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? ये सही रास्ते पर लाने का काम आप करोगे कि नहीं करोगे? भाइयों और बहनों, ये कैसे लोग हैं? पाकिस्तान आप देखिए, इनको पहचानिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कैसी है, इनको पहचानिए। पाकिस्तान ने खुद ने कहा, सबसे पहले ट्वीट पाकिस्तान ने किया कि हिंदुस्तान की सेना ने हमारे गजूर में घुस करके मारा है। उन्होंने कहा हमारे देश में ऐसे सरफरे लोग हैं, उन्होंने 7-8 बजते बजते क्या चालू किया पता नहीं, ये बालाकोट कहाँ है, ये हिंदुस्तान, ये आपने देखा होगा, ये टीवी पर था, यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए, उनके उनके ऑनलाइन मैगजीनों में था, अभी तो 3-4 घंटे हुए थे शुरू हो गए। ये बालाकोट पाकिस्तान कह रहा है मारा, पाकिस्तान बोल रहा है हमें मारा, मोदी आकर के मार के चला गया वो बोल रहा है, और यहां लोगों की नींद हराम हो गई। वो क्या कर रहे थे, सुबह 7-8 बजे शुरू कर दिया। ये बालाकोट हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है? ये बालाकोट भारत की सीमा में है कि पाकिस्तान की सीमा में है? ये बालाकोट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है कि हमारे कश्मीर के बगल में है? ये बालाकोट अभी तो पूरी जांच में नहीं कि पाकिस्तान रो रहा है और यहां उनकी मदद करने के लिए निकल पड़े, देश को गुमराह करने के लिए हमारे ही देश का खाना खाने वाले चिल्ला चिल्ला करके कहने लग गए। और जब 3 घंटे के बाद पता चला, अरे बाप रे, ये मोदी तो वहां जाके आया, तब जाकर वे चुप हुए, वरना 4-5 घंटे तक यही चलाया कि बालाकोट यहां है कि वहां, यहां है कि वहां। अरे देश की सेना कहती है, पाकिस्तान खुद रो रहा है, तो किसी हिंदुस्तानी के मन में शक होना चाहिए क्या? जिसकी रगों में हिंदुस्तान का खून है उसको शक होना चाहिए क्या? जो भारत के तिरंगे झंडे को प्यार करता है उसको शक होना चाहिए क्या? जो भारत मां की जय बोलता है उसको शक होना चाहिए क्या? ये शक करने वाले लोग कौन है? ऐसे लोगों की बातों पे भरोसा करेंगे क्या? ऐसे लोगों की बातों पे भरोसा करोगे क्या? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, 2014 से लेकर हम निरंतर नए भारत की मजबूत नींव तैयार करने का काम कर रहे हैं। हमने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने, देश के लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम किया है। अब आने वाले समय देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का है। बीते 5 वर्षों में हमने नए भारत की जो नींव बनाई है,
अब आने वाले वर्षों में उस पर वैभवशाली भारत की इमारत तैयार होगी। ऐसा भारत जो सफल हो, ऐसा भारत जो सक्षम हो, ऐसा भारत जो सुरक्षित हो। साथियों, नए हिंदुस्तान का सामर्थ्य जो दुनिया अनुभव कर रही है, नीति और रीति में जो बदलाव दिख रहा है, उसके पीछे कौन है? इसके पीछे आप है। 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति है, इसके पीछे आपके आशीर्वाद है। इस विश्वास के साथ, आपके आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहेगा, इसी भाव के साथ आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत दिखाएं आज, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।